आप देख रहे हैं सियासत। सियासी पिच पर नवजोत सिंह सिद्धू की बैटिंग कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भारी पड़ी है। पार्टी आलाकमान ने क्रिकेटर से नेता बने सिद्धू को जुलाई में पंजाब कांग्रेस प्रमुख बनाया था। 2 महीने के भीतर उन्होंने कद्दावर कैप्टन की छुट्टी कर दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस इस्तीफे की मुख्य वजह दोनों के बीच जबरदस्त अनबन रही है। दोनों नेता किसी भी हाल में एक दूसरे के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे। नमस्कार, मैं हूं तुषार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासत, जिसमें आज हम बात करेंगे पंजाब के सियासी मुकाबले में पूर्व ओपनर की जीत और कैप्टन की हार के बारे में। पार्टी नेतृत्व ने अमरिंदर सिंह के विरोध को नजरअंदाज करते हुए सिद्धू को पंजाब कांग्रेस प्रमुख बनाया था, लेकिन प्रदेश कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हुई। दोनों नेताओं की लड़ाई लगातार चलती रही। इससे साफ था कि दोनों एक दूसरे को नापसंद करते हैं। सिद्धू के पीसीसी चीफ बनने के बाद कुछ समय के लिए ऐसा लगा था कि पार्टी ने सुलह का रास्ता निकाल लिया है। हालांकि दोनों एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहे। अमरिंदर के दबाव के कारण सिद्धू के एक सलाहकार मलविंदर सिंह माली को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद दोनों में तल्खी और बढ़ गई थी। सिद्धू ने एक सभा में यह तक कह दिया था कि उन्हें निर्णय लेने की आजादी नहीं मिली तो वे ईंट से ईंट बजा देंगे। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कुछ ऐसी बातें की जो यह बताने के लिए काफी है कि सिर के ऊपर से पानी चला गया था। उन पर से पार्टी आलाकमान का भरोसा भी उठ गया था। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, उन्हें जिस पर विश्वास है उसे मुख्यमंत्री बनाएं। सिंह ने यह भी कहा था कि पिछले कुछ महीने में तीसरी बार ये हो रहा है कि विधायकों को दिल्ली में बुलाया गया है। मैं समझता हूं कि अगर मेरे ऊपर कोई संदेह है, मैं सरकार नहीं चला सका, जिस तरीके से बात हुई है मैं अपमानित महसूस कर रहा हूं। कैप्टन ने साफ संकेत दिए हैं कि भले ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन पॉलिटिक्स से उन्होंने विदाई नहीं ली है, यानी अभी वे पॉलिटिक्स के गेम में बने रहेंगे। उन्होंने कहा, मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, फ्यूचर पॉलिटिक्स हमेशा एक विकल्प होती है और जब मुझे मौका मिलेगा मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। सीएम पद से उनकी विदाई के बाद लाजमी है कि उनके पार्टी छोड़ने को लेकर भी अटकलें लगने लगी है। पंजाब में जिस तरह का कैप्टन का कद है और हाल में जैसे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, उससे उनके भाजपा में शामिल होने की सुगबुगाहट है। उन्होंने बातचीत में कहा कि वे कांग्रेस पार्टी में हैं, वे अपने साथियों से बात करेंगे, उसके बाद आगे की राजनीति के बारे में फैसला लेंगे। अमरिंदर का यह फैसला कई मायनों में महत्वपूर्ण है। अगले साल पंजाब में चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने पहले कहा था कि वह कैप्टन के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, यानी उसे अपने पूरी रणनीति पर दोबारा काम करना होगा। पहले ही कहा जा रहा था कि सिद्धू और अमरिंदर की तकरार का कांग्रेस के वोटों पर सीधा असर पड़ेगा, वहीं इसका फायदा आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा हो सकता है। तो ये थी पंजाब में हाल ही में हुए सियासी उठापटक की कहानी। इस तरह की और सियासी किस्सों और कहानियों के लिए आप देखते रहिए मृदुभाषी का खास कार्यक्रम सियासत।